जी, मैं चूँकि भारतीय किसान यूनियन का एक अनुयायी हूँ, बाबा टिकैत का एक सिपाही हूँ, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष की दी गई है, तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये लड़ाई जो आज आप देख रहे हैं, ये जलसा जो हजारों की संख्या में किसान आज इकट्ठा हो गया है अपने दर्द को बयां करने के लिए, ये लड़ाई बड़े लंबे समय से चल रही है और इस हमारी लड़ाई की तरफ, किसानों के दर्द की तरफ अभी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे पाई। चूँकि हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है, सरकार को सोचना चाहिए। जिस देश का किसान निरंतर सड़कों पर उतर रहा है मजबूर होकर के, तो आखिरकार उसके समस्याओं का निराकरण करने के लिए कौन आएगा? निराकरण सरकार को करना है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमें बहुमत नहीं मिला। हमने केंद्र में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बना के दी है, और माननीय मोदी जी की सरकार हमने केंद्र में बना के दी है। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बहुमत की सरकार में बैठे हैं, और हमारे साथ जो वादे चुनाव से पहले किए, चुनाव के दौरान किए, और अब भी हमें जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हमें महसूस हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने, माननीय राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर व्यक्तित्व ने हमें आश्वासन दिया, किसान बिरादरी को आश्वस्त करके गए वो अपनी मीटिंगों में, कि निश्चित रूप से छाता चीनी मिल चलवाई जाएगी। लेकिन कैसे महसूस करें, आज तक इस पर कोई कार्रवाई कहीं भी सरकार के द्वारा नहीं की गई, ना कोई बजट दिया गया। तो हम कहना चाहेंगे कि ये किसान का उनके खिलाफ कोई वो ऐसा वो नहीं है, लेकिन हमारा आक्रोश है, किसान बिरादरी का आक्रोश है, और आक्रोश हमने दिखाया है उनको तीन स्टेट में। उन्हें सजग हो जाना चाहिए, उन्हें जान लेना चाहिए कि किसान की हालत कैसी है। उसे मजबूरी बस, उसे व्यवस्था बस सड़क पर उतरना पड़ रहा है, सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं, क्योंकि जब वो सांसद थे उस समय भी उनकी व्यवहार कुशलता उसी तरह की थी, बड़ी अच्छी थी, और आज भी उनकी ऐसी है। मैं मुलाकात करके देख लिया है मुझे, तो मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो वादा किया कि हम जांच करवाएंगे दोबारा से, पानी खारी है, मैं कह के आया था कि पानी खारी नहीं है, वही पानी है जब चीनी मिल चलती थी, आज भी वही पानी है। लिहाजा ये छाता चीनी मिल चलनी चाहिए, किसान बचेगा जब ही। छाता क्षेत्र की तो जो ज़मीन है बिल्कुल ऊसर टाइप की हो गई है, वो कोई फसल भी तैयार नहीं कर रही। अब आखिरकार आने वाले कल में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी भुखमरी के कगार पे हो जाएगी। आज भी भुखमरी फैल रही है किसान के अंदर, मन मर्जी से कोई सब्जी तक नहीं खा सकता, कोई दाल नहीं खा सकता। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है सरकारों के लिए? जो अन्न का दाता है, जो अन्नदाता के नाम पे जाना जाता है, वो भूखों मर रहा है, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है? तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपने जो वादे किए, आप में जो आस्था थी, वो आस्था आप बनाए रखना चाहते हैं, तो किसान के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हैं और जो बनाना चाह रहे हैं, वो अभी धरातल पे अवतरित नहीं हुई हैं। जब तक धरातल पे नहीं आएंगी, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा वो हमारे दर्द को पहचाने। यदि किसान मिट जाएगा तो देश में कुछ नहीं बाकी बचेगा, समाज मिट जाएगा। अन्नदाता के बगैर कोई जी नहीं सकता, न कोई पहलवान पहलवानी कर सकता है, न कोई सन्यासी भजन कर सकता है, न कोई राजनेता नेतागिरी कर सकता है। अन्न एक ऐसी चीज है और उस अन्न को पैदा करने वाला एक सिर्फ किसान है। तो मैं बिना धर्म और जाति के कुछ बगैर कहे मैं कहना चाहूँगा, इन सरकारों को हमारे प्रति इतना संवेदनशील होना चाहिए कि किसान की इस दुर्दशा को देखे और इसे निरंतर, जो हर 30 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है, किसान मर जाता है, अब तक लाखों की संख्या जिसकी हो चुकी है, आखिरकार यही रास्ता इख्तियार किया सरकार ने, तो ये बिरादरी मिट जाएगी। किसी कर्म का न देश रहेगा, न समाज कहीं का रहेगा। तो समझना चाहिए, किसान के दर्द को समझना चाहिए, और आने वाले बजट में जो फरवरी में या मार्च में आता है, जब भी बजट आवे, उस बजट में इस छाता चीनी मिल के लिए, मथुरा जनपद के किसानों के हित के लिए, उन्हें जिंदा रखने के लिए, उन्हें ये चीनी मिल के लिए बजट पास करना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे इस दर्द को सरकार समझेगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी समझेंगे और इसके लिए बजट जरूर देंगे। कहना चाहूँगा कि अब बातों में नहीं आएंगे, इसका परिणाम सामने सरकार को दिया है। जो तीन राज्य में हमने किसान बिरादरी ने हराया है, किसान बिरादरी 2019 को चुनेगी। यदि 2019 में भला चाहती है सरकार, तो किसान हमारी बात को गौर से सुनना होगा और उसका निराकरण करना होगा, और नहीं निराकरण किया तो फिर अब हम बातों में नहीं आएंगे। देखिए, हमने आप पे आस्था प्रकट की है और आज भी आस्था जब बता रहे हैं हम, तो हमारी आस्था को समझेंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे?
जब मरणासन पोजिशन में है, देश का अन्नदाता ही मर जाएगा तो फिर क्या फायदा है? हम किसको मर जाएंगे तो वोट किसको देंगे? अब जब तक जीवित हैं, जैसे भी जीवित हैं, हम देखते चले आ रहे हैं। तमाम सरकारों ने हमारी अनदेखी और अनसुनी की है, किसी ने हमारे दर्द को नहीं जाना। तो फिर हम मोदी जी में आस्था प्रकट की, माननीय योगी जी में आस्था प्रकट की, भाजपा में आस्था प्रकट की, लेकिन अब आस्था कितने तक काम करेगी? अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, हम किसी के लायक नहीं रहे। बच्चे बगैर पढ़ाई के घर में पड़े हैं, मरीज जो है बिना दवा के घर में पड़ा है, त्राय त्राय कर रहा है। योजनाएं कहाँ चल रही हैं? कहीं हवा हवाई चल रही होंगी। करोड़ों करोड़ रुपए का ये बिजली का कार्य जनपद में मथुरा में कराया गया है। कार्यदायी जो संस्थाएं नियुक्त की गई हैं, वो ठेकेदार और अधिकारी और स्वयं मिलकर के करोड़ों को बंदर बांट करके खा गए, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी मनमर्जी जहां लगी है वहीं लाइनें खींच के चले गए। वो समाज के और किसी जनहित में तो उसका कोई काम उपयोग हो नहीं रहा है। ऐसे ही नहर विभाग में करोड़ों रुपए आते हैं, वो बंदर पाट हो जाते हैं। न कोई सिल्ट सफाई होती है, न किसी इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, न किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। किसान दिवस जो लगाया जाता है माननीय योगी जी द्वारा, उस किसान दिवस में भी हम बार बार चिल्ला चिल्ला करके, गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते हैं, लेकिन कोई समाधान या किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, धरातल पे जब तक आप नहीं करेंगे, इसकी व्यवस्था पूरी नहीं करेंगे, तब तक किसान जिंदा नहीं रह सकता, इसको कोई लाभ नहीं हो सकता। ये मैं कहना चाहूँगा, मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जब एक अध्यापक अपनी लाइन से हट जाता है, पेंशन मिलती है। कोई भी कर्मचारी और अधिकारी कोई होते हैं, बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलती है। राजनेता 5 साल तक में ही, 2.5 साल में ही शायद उसका वो हो जाए, निलंबित हो जाए या सरकार फेल हो जाए, उनकी उनकी जो है उनकी पेंशन बन जाती है। लेकिन जिसका जीवन खेत में करते करते बिल्कुल जर्जर हो जाता है, उसे दवाई तक के लिए कोई पैसा नहीं होता है, उसके पास में कोई खाने तक का पैसा नहीं होता है, कपड़ों तक का पैसा नहीं होता है, क्या वो देश और समाज के लिए नहीं कर रहा है? अन्नदाता तो सबके लिए ही कर रहा है, अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा। तो सोचना चाहिए सरकार को कि किसान के लिए, इसमें तो कोई धर्म जाति की भी बात नहीं है, किसान किसी भी बिरादरी का है, ऐसी व्यवस्था अमल में लाई जानी चाहिए कि कम से कम 10,000 रुपये किसान को महीने में मिले। वो एक चाहे वो पेंशन के रूप में दे दें, चाहे गुजारा भत्ता देने के रूप में दे दें, जैसे भी चाहे, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। ये सारी चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कानून बनाए। और MSP लागू कर देते हैं कि समर्थन मूल्य लागू कर दिया, लेकिन कभी कोई क्रय केंद्र पे उस समर्थन मूल्य पे कोई फसल नहीं खरीदी जाती, वो मनमानी तरीके से खरीदा जाती है। और जब तक उसके खिलाफ जो समर्थन मूल्य से नीचे कोई फसल खरीदता है, अनाज खरीदता है, तो उसके खिलाफ कोई सरकारी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, जुर्माना लिया जाना चाहिए, तब जा करके उस पर अमल किया जाएगा। अन्यथा सरकारें घोषणाएं करती रहेंगी समर्थन मूल्य की, MSP की, और इसी तरह से किसान लुटता रहेगा, जैसे धान की फसल में लुटा, जैसे बाजरे के लिए 1950 का रेट किया, लेकिन 1100 में किसान को बाजरा बेचना पड़ा है। तो ये स्थिति है, ये बदतर पोजीशन है।